नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं, एक खास प्रोग्राम पार्लियामेंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे मेरे आसपास बहुत सारे उल्लू रखे हुए हैं, उल्लुओं का समूह। उल्लुओं के समूह को ही पार्लियामेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि उल्लू दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है जानवरों में, और ये कहते हैं अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है। अब गूगल कर लीजिए। और हम 360 डिग्री बात करेंगे आज चूरू लोकसभा सीट, यानी कि चूरू पार्लियामेंट्री सीट पे, वह सीट जो कि अब दो जातीय नेताओं के बीच या दो नेताओं के बीच जातीय विभेद का आधार बनने वाली है या बन चुकी है। चूरू सीट जो कि 1977 से पृथक रूप में अस्तित्व में आई भारतीय पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के लिए, तो पार्लियामेंट पे ही बात करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हम बात करेंगे कि क्या है चूरू लोकसभा सीट पे फैक्ट्स एंड फिगर। एक शेर से शुरू करते हैं, कहते हैं कि तन्हाइयों के खौफ दर्द जिगर में उतर गए, और वो शमाए वफा जलाकर जाने किधर को गए, पेड़ों को छोड़कर जो उड़े उनका तो वजूद ही क्या, यहां तो पाले हुए भी गैरों की छत पे उतर गए। भारतीय जनता पार्टी से करीब 33 साल की राजनीति करने वाला कसवां परिवार अब कांग्रेस का दामन थाम चुका है, और लड़ाई काका वर्सेस भतीजे की हो रही है। अगर अपन बात करें काका और भतीजे की, तो इस इलाके में इतिहास पुराना रहा है, जब काका और भतीजों ने इतिहास रचा था। इतिहास की बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी काका और भतीजा यानी कि राहुल कसवां और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही एक दूसरे पे हमलावर हैं, और दोनों ही की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है ये सीट। चूरू जो कि 1977 तक बीकानेर पार्लियामेंट का हिस्सा रही, जहां लगातार करणी सिंह चुनाव जीतते रहे, बीकानेर के पूर्व महाराजा, 77 के बाद में अब तक यानी कि 77, 80, 84, फिर 85 का उपचुनाव, फिर 90, उसके बाद में 91 का चुनाव, उसके बाद में 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014 और 19, यानी कि 13 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 14वां लोकसभा चुनाव होने वाला है। 13 जो सांसद रहे हैं, उन सांसदों में से एकमात्र जो है वो जाट समाज के सांसद रहे हैं, बलराम जाखड़ हो, चाहे नरेंद्र बुडानिया हो, चाहे राम सिंह कसवां हो, दौलत राम सारण हो। मात्र एक साल के लिए यह सीट मोहर सिंह यानी राजपूत समाज के एक प्रत्याशी के हाथ आई 1984 में, और मोहर सिंह का पद पे रहते हुए निधन हो गया। तो यह सीट जो है वो 77 से अब तक जाटों के कब्जे में रही है, और बीजेपी ने भी जाट प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। तो सीधे तौर पे दोनों ही बड़ी पार्टियां जो है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है, जिनमें से बसपा क्या एंगल लेती है देखने वाली बात होगी। बसपा के प्रत्याशी के तौर पे मनोज न्यांगली का नाम आया था, लेकिन अब फिलहाल वो चुनाव लड़ते दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में यह सीट जिसपे मैं आपको बता रहा हूं कि 77 से अब तक यानी कि बीते करीब करीब 46-47 साल से, जिसमें से 46 साल तक जाट समाज का सांसद रहा है, वहां सामंतवाद की बात कैसे चल रही है? राहुल कसवां ये शब्द क्यों लाए हैं, और इसी शब्द को क्यों ही व्याख्यित किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि दक्षिण के नेता हैं। वहां सामंतों जैसी चीज चलती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस शब्द पे हमलावर है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। 46 साल में से एक साल छोड़ दीजिए, बाकी जाट ही सांसद रहे हैं, और इन 46 साल में अगर सामंतवाद यहां से खत्म नहीं हो पाया तो वो अब कैसे होगा, बड़ा सवाल है। और इस शब्द को लाने की वजह क्या है, कास्ट इक्वेशन पे बात करते हैं, क्योंकि अब सीट जो है वो जाति बनाम जाति हो चुकी है, जाट वर्सेज राजपूत ये सीट हो चुकी है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से राहुल कसवां हमलावर है, जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ का खेमा हमलावर है, तो बड़ी ही, चूंकि चूरू सबसे अधिक गर्मी के लिए पहचाना जाता है प्रदेश में, देश में, दुनिया में सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ती है, चूरू में, और सबसे अधिक गर्म यानी कि हॉट सीट चूरू हो चुकी है। वजह है राहुल कसवां का काका भतीजा वाला डायलॉग,
राजेंद्र राठौड़ भी वही डायलॉग दे रहे हैं। और दोनों ही नेताओं के बाद आप ये देखिए कि भाजपा में उनकी जाति का और कोई नेता इतना उभर नहीं सका है। राजेंद्र राठौड़ के आने के बाद राजपूत नेता चूरू में और कौन है मैं नहीं जानता। राहुल कस्वां या कस्वां परिवार के बाद और कोई जाट बड़ा नेता भाजपा में मैं नहीं जानता। अब दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो सामंतवाद वाली बात कर रहे थे कि क्यों ही यह सवाल आया। सबसे बड़ा जो गेम चेंजर वोटर है वो है अनुसूचित जाति का वोटर। यहां अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं है। अनुसूचित जाति का वोटर जो है वो आकृष्ट होता है इस शब्द से, और राहुल कस्वां की उस शब्द पे उस जाति पे नजर है। 4.5 लाख के आसपास जाट वोटर राजनीतिक पार्टियां आकलन करती है कि इस सीट की 8 विधानसभा क्षेत्र जिनमें से 6 चूरू जिले की हैं, 1 आरक्षित है सुजानगढ़ अनुसूचित जाति के लिए, और बाकी 2 सीटें जो है वो हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा। तो कांग्रेस जो है यहां विधायकों की संख्या के लिहाज से नंबर 1 है। भादरा और चूरू को छोड़ दें तो भाजपा के पास 8 में से 6 सीटें गंवाई हुई है 2023 के विधानसभा चुनाव में। यह बातें अपन पहले कर चुके हैं, जैसे कि रिजर्व सीट जो है सुजानगढ़ वाली, जहां मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज कुमार फिलहाल विधायक हैं। सरदार सहर सीट पे ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, और बसपा से मनोज न्यांगली राजपूत समाज से आते हैं मनोज कुमार जो है सादुलपुर सीट से। और यही जो मूल गृह क्षेत्र है कस्वां परिवार का, यहाँ विधायक का चुनाव भी कस्वां परिवार या उनका समर्थक व्यक्ति ही भाजपा से लड़ता रहा है। तो चूरू की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। राजेंद्र राठौड़ जिनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला या विधानसभा में वो चुनाव हार गए, अब उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है चूरू की सीट। तो बड़े बड़े बिंदुओं पे अगर अपन बात करें तो यहां जाट करीब 4.5 लाख के आसपास, कुछ 5, 5.5, 6, 7 दावे हैं। तो एससी वोटर जो है वो 4.25 लाख के आसपास यहां पे है। राजपूत ब्राह्मण राजपुरोहित और अगर वैश्य समाज को देखें तो 4.5 से 5 लाख के आसपास यह वोटर हो जाता है। और रेस्ट वोटर जो है वो मूल ओबीसी है 2 लाख के आसपास, यानी 1.90 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। आप देखिए राजेंद्र राठौड़ जिनको लेके ये पूरी कहानी, ये दर्द ये रचा गया है, राजेंद्र राठौड़ ने चूरू जिले में जाने के बाद में, यानी कि 1985 में जब चूरू से चुनाव लड़ना शुरू किया राजेंद्र राठौड़ ने, तब से लेके 2018 तक सारे ही चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने अल्पसंख्यक प्रत्याशियों के खिलाफ लड़े। यानी कि चूरू जिले में राजेंद्र राठौड़ ने कुल 9 चुनाव लड़े, जिनमें से 8 चुनाव उन्होंने अल्पसंख्यक प्रत्याशियों के खिलाफ लड़े। 9वां चुनाव जब वो उन्हें जाट प्रत्याशी के लिए लड़े तो अब मामला वो हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 8 चुनाव अगर वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़े, जिनमें से 7 बार मुस्लिम के खिलाफ लड़े हैं, कभी मामला कम्युनल नहीं हुआ, यानी सांप्रदायिक रंग चुनाव ने चूरू जिले में नहीं लिया। और अब जो है वो सामंत और गैर सामंत का मामला चल पड़ा है। कहानी जो है वो किस रूप में जाएगी, क्या होगा इस मामले में आगे। लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाए हैं कि कमला कस्वां जो कि राहुल कस्वां की माता जी हैं, उन्होंने राम सिंह कस्वां और राजेंद्र राठौड़ को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा था, राखी बांधती थी। तो काका भतीजे की कहानी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। चूरू के चूरू में ही एक डायलॉग फेमस है कि कबड्डी में कोई काको को नहीं हुए, यानी कि जब युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर काका भतीजा वाला मामला रहता नहीं। चूरू की जनता जो है वो एग्रेसिव और ठंडा और गर्म दोनों ही स्वभाव में बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि सबसे अधिक सर्द कोई इलाका है या सबसे अधिक कोई गर्म इलाका है तो वो चूरू है। अब यह देखना है कि ब्राह्मण समाज जिसकी सीट पहली बार रतनगढ़ सीट जो है उनके हाथ से फिसली है, उसी तरीके से जैसे राजपूतों के हाथ से वल्लभ नगर फिसल गई, तो यह प्रतिष्ठा के जो प्रश्न हैं समाजों के, जातियों के, तो राहुल कस्वां का जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है यानी कि मुस्लिम, उन्हें लगता है कि 1.90 के आसपास जो ये वोटर हैं वो उनकी ओर। जाट समाज की प्रतिष्ठा यानी कि जाट समाज के बड़े नेता भाजपा में, जैसे मैं कह रहा हूं कि राम सिंह कस्वां परिवार के अलावा मुझे कोई भाजपा में बड़ा नेता नजर नहीं आता। हरलाल सारण भी अगर पनपे तो वो किसी की छत्र छाए में पनपे, अब वो अपना वजूद बनाना चाहेंगे राजनीतिक लोग, सभी लोग ये करते हैं, निश्चित तौर पे हरलाल सारण भी ये करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट की जो कहानी है चूरू की,
वो अब आगे किस रूप में, किस नजर में या किस अंदाज में जाके ठहरेगी, यह देखने वाली बात होगी। खास करके अपन बात करें कि चूरू वाली सीट पे जिस तरीके से हनुमानगढ़ में कम्युनिस्टों का प्रभाव है, मसलन कि आप देखिए नोहर भादरा दोनों सीटों पे, भादरा में कम्युनिस्ट बलवान पूनिया अब बड़ी शिद्दत से, बड़े बड़े समर्पण से लगे हैं राहुल कस्वां के साथ में। उन्होंने चूरू लोकसभा अपने लिए मांगी थी। बलवान पूनिया जनता के, किसानों के मुद्दों पे बड़ा जबरदस्त संघर्षरत व्यक्ति हैं, वो अब राहुल कस्वां के साथ है, तो राहुल कस्वां के लिए एक प्लस पॉइंट है। कृष्णा पूनिया जो कि अड़ी थी राहुल कस्वां को टिकट नहीं दिए जाने के लिए सादुलपुर से, उनके खिलाफ राहुल कस्वां की फैमिली, लेकिन चूंकि वहां टक्कर जो है, या तो कृष्णा पूनिया तीसरे नंबर पर रह जाती है या राहुल कस्वां की फैमिली रह जाती है विधानसभा चुनाव में, लिहाजा कौन के मनोज न्यांगली। तो किस तरीके से अब एक धड़ा एक तरफ हो रहा है, और यह धड़ा जो है वो पब्लिक का जो ब्रेस्ट, जो शांत वोटर हैं, जैसे कि जिनके लोग चुनाव जीत ही नहीं पा रहे, मसलन कि चंद्रशेखर बैद के बाद में महाजन या चंदनमल बैद जो थे, उनके बेटे चंद्रशेखर अब भाजपा में आ चुके हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं है। बीजेपी का मूल वोट बैंक, कभी इनका एक विधायक हुआ करता था, अब कोई नहीं है, किस दिशा में जाएगा। हालांकि विधायक कांग्रेस से रहे हैं ज्यादातर, ये अब भाजपा में आ चुके हैं बैद परिवार। सरदार शहर में अच्छी संख्या है, राजपुरोहित जो यहाँ डिमांड ही नहीं करते, सरदार शहर के आसपास इनकी ठीक ठाक संख्या है। राजपूत समाज जो लगभग सभी सीटों पर एक उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करवाता है। मूल ओबीसी जिसमें कुम्हार समाज है, खाती है, जिसके अंदर नाई बड़ी संख्या में डूंगरगढ़ से रहे भी हैं विधायक, डूंगरगढ़ अब बीकानेर जिले का या बीकानेर लोकसभा का हिस्सा हो गई है। यह वर्ग जो है जो खामोश हैं, जो चुपचाप हैं, या अपन बात करें अनुसूचित जाति के लोग जिनका एक अच्छा वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए कहानी शुरू हुई है सामंतवाद वाली। और यह जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट पे मोहर भी लगाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो राजेंद्र राठौड़ अब ये कह रहे हैं साहब कि राहुल कस्वां जो है वो राहुल गांधी के साथ, उन्होंने राहुल कस्वां को भी पप्पू वाली श्रेणी में रखने की कोशिश की। तो चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है चूरू का। राहुल कस्वां जिनका परिवार बीते 33 साल से चूरू की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या तो सदारत करता रहा है, जिसमें से लंबे समय उन्होंने की भी है, नरेंद्र बुडानिया का दौर देखें तो बहुत कम 3 या 4 साल का रहा होगा, रेस्ट ऑफ 30 साल जो है वो यही परिवार देश की केंद्रीय संसद में रहा है, क्या चूरू के पास एक चीज गिनाने को है स्पेशल सेक्टर के तहत कि यह चीज जो है इस इलाके में, जो कि रेगिस्तान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, सबसे कम बारिश और उसमें भी बारिश पर आधारित खेती, क्या एक प्रोजेक्ट चूरू के लिए है 33 साल में कि यहां रोजगार के अवसर डेवलप हुए हों, क्या एक भी चीज जो है वो चूरू के नाम पे ऐसी है कि यहाँ के लोग जो है वो ये कह सकें कि पूरे देश में विशिष्ट रूप से यह जो सेक्टर है इसके लिए पहचाना जाता है। बड़ा सवाल है, चूरू की जनता को पूछना चाहिए। राहुल कस्वां फिर से सांसद बने, इसके लिए भी उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन पूछना चाहिए। देवेंद्र झाझड़िया की बात जो है वो अगर नहीं करें तो फिर बात समीचीन नहीं होगी। देवेंद्र झाझड़िया जो कि ओलंपियन हैं, भाला फेंकते हैं, तीसरी बार जब उन्हें विश्वास था कि हम ही गोल्ड जीतेंगे, सलट गए श्रीलंका वाले से और रजत पे संतोष कर लिया। आप फर्स्ट टाइमर जेवेलियन में गोल्ड जीतते हैं, आप बड़े उत्साहित, सेकेंड टाइम जीतते हैं, तो एक साइकोलॉजी में एक टर्म है एमिगडाला रिएक्शन, मतलब आप लगातार 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 करते जाते हैं तो आपका जो प्रमस्तिष्क है उसकी प्रतिक्रिया आपको सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में ले जाती है। देवेंद्र झाझड़िया उसी सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में आ गए और वो रजत पे रह गए। तो क्या राजनीतिक रूप से राहुल कस्वां उस सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं कि एमिगडाला रिएक्शन यानी कि प्रमस्तिष्क खंड प्रतिक्रिया जो है उसके अंदर जाके कहीं राजनीतिक रूप से कुछ अलग तो नहीं कर रहे? दूसरी चीज, राजेंद्र राठौड़ के अब राजनीतिक करियर पे बड़ा सवाल है कि अगर वो यह सीट गंवा देते हैं चूरू, जिसके जो हरियाणा से टच है, जो कि एक अलग तरह का अंदाज रखता है चूरू इलाका,
तो बड़ा सवाल है कि राजेंद्र राठौड़ की जो कि प्रतिपक्ष नेता रहे हैं विधानसभा के, सतीश पुनिया जो कि हरियाणा के प्रभारी है वो भी चूरू के रहने वाले हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा चूरू के रहने वाले हैं, तो बीजेपी का एक गढ़ रहा है भैरव सिंह शेखावत के टाइम से। भूल नहीं जाना चाहिए कि 1991 वाला चुनाव था कि राहुल कस्वां के पिता राम सिंह कस्वां को सांसद बनाने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए गए। तो कहानी जो है वो चूरू वाली बड़ी गजब की आगे जाके बैठेगी कि एक बंदा जो कि चुनाव फर्स्ट टाइम जीत गया, प्रमाण पत्र दे दिया, फिर हारा हुआ दिखा दिया गया, फिर साथ साथ दोस्ती यारी चलती है, फिर मनमुटाव होता है और मनमुटाव के बाद कहानी आज आमने सामने तलवारें खींचने की ओर आ जाती है। यही राजनीति है, लेकिन अंतिम फैसला जनता पे छोड़ना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव में कौन प्रभावित करता है डेवलपमेंट के मुद्दे पे, कौन प्रभावित करता है कि जनता के हक और हकूक को किस तरीके से बुलंद करेंगे। राहुल कस्वां सामंतवाद की बात तब करते हैं जब उनका टिकट कट जाता है, राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वां पे आरोप तब लगाते हैं जब वो उनके खिलाफ हमलावर होते हैं। जनता को सोचना चाहिए कि अगला जो उनका प्रतिनिधि हो वो उनके हक हकूक की आवाज बुलंद करने वाला हो और कितनी शिद्दत से उनके लिए खड़ा होने वाला हो। पार्लियामेंट कार्यक्रम में आज इतना ही, आपसे फिर हम रूबरू होंगे एक और लोकसभा क्षेत्र की कहानी लेके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और थिंक 360 को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।